नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे विचाराधीन कैदियों की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि देश में 3.5 लाख से ज्यादा विचाराधीन कैदी जेलों में बंद हैं। ये ऐसे कैदी हैं जो अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कानून के तहत मानवीय संवेदनाओं के आधार पर जल्द फैसले की बात कही। जाहिर है ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है। कारण, देश भर की जेलों में कुल 4,88,511 कैदी बंद हैं और इनमें से 3,71,848 कैदी विचाराधीन हैं। दुनिया में इस विचाराधीन कैटेगरी में मात्र 18 से 20% कैदी आते हैं, जबकि भारत के कुल कैदियों की संख्या में 62% विचाराधीन कैदी हैं। इसलिए मुद्दा आपका में आज बात विचाराधीन कैदियों की स्थिति की करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंजाब राज्य मानवा अधिकार आयोग के अध्यक्ष इकबाल अहमद अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। इकबाल अहमद अंसारी साहब, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। हम बात करेंगे विधि मंत्रालय भारत सरकार के पूर्व कानून सचिव सुरेश चंद्रा जी से। सुरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है और साथ में पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे पुलिस के नज़रिए से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं SP वैद्य जी, जो पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं जम्मू और कश्मीर के। वैद्य जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत में इकबाल अंसारी साहब आपसे करूँगा, मुद्दा बेहद संवेदनशील है। 3.5 लाख ऐसे लोग जो फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि अदालत फैसला दे तो उनका आगे का जीवन तय हो, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? इसके लिए तो सरकार और न्यायपालिका दोनों ही जिम्मेदार हैं जी, क्योंकि टाइम से अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो तो केस पेंडिंग पड़ा रहता है, और अगर उसका डिस्पोजल नहीं हो तो भी केस पड़ा रहता है जी। तो जहां तक जुडिशरी है, ये चीज समझने की है कि हम जब कोई भी कानून बनाते हैं जी, तो हमारे हिंदुस्तान में उस कानून का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जुडिशरी पर, ये कोई रिसर्च नहीं किया जाता है, दूसरी जगहों पे होता है जी। कानून बनाने से पहले भी होता है और कानून बनाने के बाद कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ वो भी होता है, हमारे यहाँ दोनों नहीं होता। फिर द रिजल्ट ये है कि जो है क्या नाम उसका, जो कानून बन गया उसका भार भी न्यायपालिका पर पड़ गया। तो पहले जहाँ 5 जजेस होंगे वो 30 मामले सुन रहे होंगे, वहाँ 5 जजेस ही 40 मामले भी सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली देर होना तो लाजमी है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो ये परिस्थिति बदल सकती है। एक तो ये है कि सरकार जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट्स करे जी। और दूसरा, हमारा जो है वो एजुकेशन सिस्टम इतना वीक है, इतना खराब है कि बहुत अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिलते, इसलिए अपॉइंटमेंट जुडिशरी में नहीं हो पाता है। वो एक देखने की चीज है और हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। अगर ये दोनों चीजें होने लगे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन थोड़ा स्पीड पकड़ ले और कोर्ट जो है अपना काम थोड़ा उसकी भी स्पीड बढ़ा दे, तो ये मामला सेटल हो सकता है जी। सुरेश चंद्रा जी, मैं आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा इस मामले को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद इस मुद्दे को उठाया है और उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर कानून के तहत मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए जल्द फैसले करने की जरूरत है, क्योंकि 3.5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग जिनका अभी अपराध तय नहीं हो पाया है, अदालत का फैसला नहीं आ पा रहा है, जमानत नहीं मिल पाती है, क्या कारण क्या है? तो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेगा तो केस तो पेंडिंग ही रहेगा जी। दूसरा ये है कि जहां तक के जमानत का सवाल है उसमें कोर्ट्स को थोड़ा जी बिल्कुल होना पड़ेगा। मैं इकबाल साहब आपसे समझूंगा इस बात को, जमानत वाली बात आपसे समझूंगा, लेकिन सुरेश चंद्रा जी मैं आपसे समझना चाहता हूं ये बात, क्या गरीबी जी? सर देखिए, व्हेन आई वाज द लॉ सेक्रेटरी इन 2016 to 18, ड्यूरिंग दैट पीरियड देयर वर फ्यू जजमेंट्स जहां द कोर्ट्स हैड
outreached and tried to substitute the थोड़ा मैं हिंदी में कई बार नहीं बोलिए आप बोलिए जी मेरा ये उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ऐसे कितने जजमेंट्स हैं जहां पे जैसे कि एक जजमेंट था कि 500 मीटर के बीच में दूरी में नेशनल हाईवे से कोई वार शॉप नहीं होगी कोई वाइन शॉप नहीं होगी तो और बहुत सारे इस तरह के तो जिन केसेस में हमने आइडेंटिफाई किए थे करीब 200 जजमेंट्स ऐसे थे जिनमें आउटरीच का इशू था और फिर देयर आफ्टर हमने जब डिस्कशन हुआ हमारा प्रधानमंत्री जी के साथ जी। तो उन्होंने मुझे हमें तीन चीजें स्टडी करने के लिए बोला और वो तीन स्टडी ये तीन चीजें ये थी कि हमारे पास इतने सारे केसेस हैं तो इन केसेस का एनालिसिस करके बताइए क्या हमारा लॉ फेल हो गया लॉ वाज नॉट अप टू द मार्क या हमारा इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन हैज फेल्ड या तीसरी चीज या हमारा जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है उसमें कोई कमी है और ये चीजें अगर हम इस इशू को देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इन तीनों विषयों को तीनों जो हमारे सब्जेक्ट मैटर हैं उनको स्टडी करके एक फाइंडिंग्स देने की जरूरत है और रिफॉर्म्स की नॉट ओनली इन द लॉ लेकिन लॉ और इम्प्लीमेंटेशन या जो इन्वेस्टिगेशन है जिसकी हम बात करते हैं पुलिस अथॉरिटीज में पुलिस रिफॉर्म्स की वहां और कुछ हद तक क्योंकि मुझे याद आता है एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 10 साल कुछ दिन के अंदर अगर केस अगर फाइनल नहीं होता है तो जो भी कन्विक्ट है उसको रिहा कर दिया जाए जी सम आर डी शर्मा और समथिंग तो दो जजमेंट हैं वही जजमेंट फिर रिव्यू हो गया और ये कहा गया कि नहीं एक कन्विक्ट अनलेस हिज एक्सोनोरेटेड कैन नॉट बी सेट फ्री तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहां पर हमें इन तीनों विषयों पर एक गहन अध्ययन करके एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिससे हम शायद वो ले कोई इस इशू को हम डील कर पाएंगे जी मैं समझता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम ये जो केसेस हैं इतने कुछ जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर जज इज आल्सो टू बी लुक्ड इनटू जी और यस कुछ हद तक ये है कि हमारी जो जुडिशरी है लोअर जुडिशरी में इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं लोअर जुडिशरी में कुछ थोड़ा अपॉइंटमेंट के इश्यूज हैं और लोअर जुडिशरी में थोड़ा एक और दूसरे बर्डन हैं जो अनफोर्सिएबल हैं जी तो ये सारे इश्यूज हैं शायद अगर सही तरह से टेकअप किए जाए जी. तो डेफिनेटली वी कैन एड्रेस दिस इशू एसपी वैद्य साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि जब भी बात इस तरह के विचाराधीन कैदियों की होती है तो आपने सुना इकबाल अंसारी साहब को उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का सवाल भी उठाया जाहिर तौर पे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो है वो पुलिस का है बात आती है कि जजों की कमी है सवाल उठता है कि साहब केस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ऐसे अपराधी जो विचाराधीन हैं जिनका अभी अपराध तय अदालत से नहीं हो पाया है और शायद उनका अपराध इतना नहीं होगा जितना समय उन्हें फैसले का इंतजार करना पड़ रहा है मैं किसी अपराधी का बचाव नहीं कर रहा हूं अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए लेकिन किसी अपराधी को उसके अपराध के अनुसार सजा कानून के अनुसार ही मिलनी चाहिए यह भी कानून कहता है आप क्या कारण मानते हैं इस स्थिति के लिए मनोज जी देखिए जो जज साहब ने कहा मैं इनसे सहमत हूं लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं मैं डीजीपी जेएनके के बनने से पहले डीजीपी प्रिजन भी रहा हूँ जम्मू कश्मीर में और काफी कैदियों से मुलाकात भी की और ज्यादातर मैंने देखा वो बहुत ऐसे लोग वही हैं जो बहुत गरीब हैं जो
बिल्कुल जिनको कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, जो वकील जिनको अपना हक नहीं मालूम है, हालांकि फैसिलिटी है कि आप आपको वकील दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारों को ये मालूम ही नहीं होता है, और उनको हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स ने टाइम टू टाइम बहुत सारी जजमेंट्स दी हैं इस मुद्दे को रिजॉल्व करने। इनफैक्ट अगर आपको मैं याद दिलाऊं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसके तहत टाइम लिमिट रखा है, अगर आप चार्ज, मैं इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं, अगर आप 90 डेज के अंदर अंदर चार्जशीट नहीं फाइल कर सकते इन्वेस्टिगेशन वाला इन अ मर्डर केस, तो उसका बेल करना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन इन्वेस्टिगेशन पे लगाई। और जहां तक मुद्दा है कमी का, तो हालत पुलिस की को बहुत बेहतर नहीं है, जो जुडिशरी की हालत है। बिल्कुल मैं सहमत हूं अपने को पैनल से, जो लोअर जुडिशरी की हालत है बहुत बुरी हालत है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रायोरिटी नहीं है कंट्री में, इसको आप देखिए। पुलिस में मैंने डीजी प्रिजन भी रहा हूं और स्टेट का डीजीपी भी रहा हूं, आपकी प्रायोरिटी जो होती है वो इमीडिएट डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर बन जाता है, और इन्वेस्टिगेशन बैकग्राउंड में चली जाती है। कोई स्पेशलाइज्ड विंग जो पुलिस रिफॉर्म्स में सजेस्ट किया गया था, जिसका 24/7 एंड 365 डेज फोकस होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन पे, आपका फोरेंसिक साइंस बिल्कुल निग्लेक्टेड है, दैट इज व्हाई कस्टोडियल टॉर्चर्स होते हैं पुलिस में। तो ये सारी चीजों को होलिस्टिकली, इसमें जस्टिस मालिमत कमेटी, मैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया था एज ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम J&K पुलिस। तो जस्टिस मालिमत इतना डिटेल में इसमें गए थे कि क्या वजूहत है, इनको हमें किस तरह से एड्रेस करना चाहिए। ओवरऑल सिर्फ पुलिस रिफॉर्म नहीं, जुडिशियल रिफॉर्म, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स की जरूरत थी, लेकिन हम आज तक किसी इन चीजों को सिस्टमेटिकली अप्रोच कर नहीं सकते। जैसे जज साहब कह रहे थे, बाकी कंट्रीज में लॉ का इम्पैक्ट स्टडी किया जाता है, उसका क्या इम्पैक्ट है उस लॉ बनाने का, क्या आपने ओवरबर्डन कर दिया जुडिशरी को, क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, तो ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। और इसके साथ मैं बताता हूँ, हालत प्रिजन्स की इतनी बुरी है, मैं कई बार सोचता था कल को कोई ऐसी चीज हो जाए, मैं या सुरेश जी या जज साहब को जेल जाना पड़े, हालात यू डोंट नो कब क्या होता। तो वो रहने लायक नहीं, वहां बाथरूम इस्तेमाल करने लायक नहीं है, वहां आप रह नहीं सकते। तो मैंने फॉरेन में, मैं अमेरिका में, इंग्लैंड में देखा है, प्रिजन्स इतने कंफर्टेबल होते हैं, आपको वहां बेसिक फैसिलिटीज होती है, यहाँ इनह्यूमन कंडीशंस है। तो आप बात सिर्फ इसकी करें, और 76% लोग अंडर ट्रायल, ये ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस है। आप कैसे उस आदमी का, बेचारे का अभी साबित ही नहीं हुआ कि कितना उसका कसूर है, कितनी उसको सजा मिलनी चाहिए, और आप उसको अनलिमिटेड पीरियड के लिए रखे। हम मैंने बहुत सारों से इंटरव्यू किया, बहुत सारे उनको मालूम ही नहीं है सर, हमको हमारा कोई, आई बिहार से हूँ, जम्मू कश्मीर कठुआ जेल में पड़ा हूँ। मैंने कहा बेटा कौन है तुम्हारा है पीछे, तो कोई है नहीं, कोई भाई, वो भाई बंधु भी जो होते हैं वो छोड़ देते हैं जब वो इतनी देर जेल में रहता है, गरीब तबके से होता है, वकील ले नहीं सकता। जो पावरफुल आदमी है, पैसे वाला है, वो तो बड़े बड़े वकील खड़े कर देगा। आपने देखा हाल ही में दिल्ली में सिब्बल साहब कैसे खड़े हो गए एक छोटे से इशू में, किस तरह से 10 मिनट में ऑर्डर आया। तो लेकिन इन बेचारों के लिए कुछ भी नहीं जी। तो एक ये बड़ी, बहुत बड़ी ह्यूमन प्रॉब्लम है। और जैसे जज साहब कह रहे थे, ये मिलकर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को मिलकर इसका हल निकालना, और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा निग्लेक्ट है और ह्यूमन राइट वायलेशन है, जिसको हल हमें करना है जी। बिल्कुल इकबाल अंसारी साहब, आपने सुना एसपी वैद जी को, अच्छी बात है, एक जो पुलिस सीनियर पुलिस ऑफिसर बड़े पदों पर रहे हैं वो इस बात को कह रहे हैं गरीबी। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि सवाल न्यायपालिका का है, सवाल न्याय का है, क्या गरीब आदमी गरीब है इसलिए उसको न्याय मिलने में देर होगी, उसे जमानत नहीं मिलेगी, जमानत के लिए उसे धक्के खाने पड़ेंगे,
उसका कसूर कितना है, लेकिन उससे ज्यादा दिनों वो जेल में बंद रहेगा? फैसला कब होगा, क्योंकि उसे कोई वकील नहीं मिलेगा? इकबाल अंसारी साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, थोड़ा ऑडियो आपका गड़बड़ हो गया है जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, अब आ रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, एक गरीब आदमी, क्या उसका कसूर यही है? वो गरीब है, उसे न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए उसके पास पैसा नहीं है? क्योंकि जो गरीब आदमी है उसी पर मार ज्यादा पड़ती है, और अकेले जुडिशरी, अकेले एग्जीक्यूटिव इसको सॉल्व नहीं कर सकता, इसमें सबके पार्टिसिपेशन जरूरी है। जब मैं जो बोल रहा था, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी थोड़े दिन पहले सीजीआई साहब ने भी ये बोला बिहार लिकर प्रोहिबिशन एक्ट, इस एक्ट के जरिए बहुत ज्यादा केसेस हो गए हैं। अभी आप, मैं पटना गया था तो वहां सुना कि 3 या 4 जज जो हैं डेली यही सुनते हैं, बेल पिटीशन ही सुनते हैं। तो जब एक कानून बनाया गया तो उसका क्या इम्पेक्ट होगा, कितने केसेस बढ़ेंगे, इसका कोई रिसर्च नहीं होता है इंडिया में, और कितने बढ़ गए उसका भी कोई रिसर्च नहीं होता। तो ना जो है ये केसेस पेंडिंग बढ़ जाते हैं। अब जहां तक कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का इलिटरेसी का सवाल है, इसी सवाल के मद्देनजर वो अपने आप अपना वकील भी ठीक नहीं कर पाते, उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं, हालांकि कानून में व्यवस्था है अगर उनको वकील नहीं मिल रहा है तो ये कानून की कमजोरी है, मैं बोलूंगा, क्योंकि कानून व्यवस्था तो है ही है जमानत के टाइम में भी वकील प्रोवाइड करने का, तो लेकिन कोर्ट्स जो है और पुलिस जो है ये करता नहीं है। इसके लिए ये जरूरी है कि लोग जो हैं वो उनको, उनके राइट्स को उनको बताया जाए, और पुलिस और जुडिशरी इस बात का ध्यान रखे कि अगर कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर है, चाहे वो गरीबी हो जी, उसका वकील जरूर हो, और वो वकील सिर्फ नाम का वकील नहीं हो, वो काम का वकील भी हो, ऐसा वकील हो कि जो है क्या नाम उसका, वो ऐसा वकील मतलब एक अच्छा वकील हो। तो ये जरूरी नहीं है जो गरीब का वकील होगा वो बिल्कुल ही रद्दी हो। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है हम लोगों के साथ में, कि हम जब लीगल एड बोलते हैं तो हम पुअर लीगल एड बोलते हैं, लीगल एड फॉर पुअर नहीं होता है, ये समझने की चीज है। हमें लीगल एड जो है वो क्वालिटी लीगल एड देना चाहिए, जिससे लोगों का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो और जल्दी से जल्दी लोग निकल के आए। जी सुरेश जी, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? क्योंकि यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, जो आंकड़े हैं, जो तस्वीर उभर के आ रही है, जितने जो कैदी, विचाराधीन कैदी देश में हैं, उनका जो प्रतिशत निकाल के आ रहा है और एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, उसका साफ एक इंडिकेशन है, स्पष्ट रूप से दो बातें उभर के आती हैं कि जो गरीब है उसे न्याय मिलने में देरी उसको होती है, जमानत नहीं मिल पाती है उसको, आर्थिक जो पक्ष है वो खासा मायने रखता है। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल। देखिए सर, मैं ये प्रश्न मुझसे है जी, सुरेश जी आपसे जानना चाहता हूं। हेलो जी मनोज जी, जहां तक प्रश्न है, ये सच्चाई है, इसमें अंडर ट्रायल्स हैं और प्रोपोर्शनेटली बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाएं नहीं है। हमारे यहाँ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में प्रोविजन है, दैट इज जो कमेटी है वो हेडेड होती है बाय द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पर हम जो एम्पैनल करते हैं वो जो भी हाई कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में जहाँ पर अवेलेबिलिटी होती है, वो अच्छे जो एडवोकेट्स हैं कोशिश करते हैं कि हम उन्हें एम्पैनल करें। लेकिन ये बात सही है कि जो उनको स्टाइपेंड, जो उनको फीस दी जाती है, उसमें बहुत अच्छे वकील हमें नहीं मिल पाते। जहां तक प्रश्न है जो हमारे को पैनलिस्ट कुरैशी साहब ने ये जो इशू उठाया है कि हमारे यहाँ
ये व्यवस्था नहीं है असेसमेंट की और पोस्ट डिसीजन असेसमेंट की, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज की। तो मैं ये बता दूं यहाँ कि हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं थी, और ये जो प्री लिटिगेशन कंसल्टेशन है, जो डिबेट्स हैं पार्लियामेंट की, जो वेरियस कमेटीज की रिपोर्ट्स हैं, वो सारी इन चीज़ों को असेस करती है। वो चीज़ दूसरी है कि कई बार हम जो है बहुत जल्दी में हेस्ट में बहुत सारे कानून लेके आते हैं जी। जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन और जो जजमेंट के असेसमेंट की बात है, हमारे यहाँ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट इसीलिए यह एनसाज किया गया था कि हर साल जितने भी हमारे लॉ हैं उन लॉज पे किस तरह से उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसका एक एनुअल सर्वे देने का प्रोविजन था कि वो हर एक्ट का एक एनुअल सर्वे होगा, कहाँ पर हम फेल हुए, कहाँ पर हम पास हुए, या कहाँ इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, लॉ इम्पैक्ट असेसमेंट जी। तीसरी जो हमारे जजमेंट्स होते थे बहुत सारे हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के, जहाँ जिनका प्रेसिडेंशियल वैल्यू है, उनका डिस्कशन होता था उसमें एनुअल सर्वे में, और जुडिशियल ऑर्डर्स का जो इशू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उठाए थे कि इस तरह का होना चाहिए, ये एक इनबिल्ट हमारा सिस्टम था इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट एज वेल एज द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, और एक इंस्टीट्यूट और था जो आजकल लॉ मिनिस्ट्री से हट गया है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज जी। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस पे थ्रस्ट देने की जरूरत है, इन इंस्टीट्यूशंस को और थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है, और अगर ये हम इस तरह से कर पाए तो शायद हम इन जो बड़े बड़े इश्यूज हैं इनको हम एड्रेस कर पाएंगे, सेंसिटिविटी को, अंडर ट्रायल्स को, पेंडेंसी को। तो ये मुझे लगता है कि ये एक इशू है जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। सुरेश जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं। जमानत का मुद्दा एक बहुत अहम मुद्दा है, जो मैंने देखा है निचली अदालत से लेकर ऊपर तक, जितनी मेरी जानकारी है, जमानत को लेकर खासे सवाल उठते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो समय आ गया है कि जमानत की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाया जाए, नए मापदंड तय किए जाएं? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत केसेस में, बहुत सारे केसेस में ये कहा हुआ है कि जेल इज एन एक्सेप्शन और बेल इज द रूल, मतलब मैक्सिमम। तो ये जहां तक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स का, जहां तक लॉ सेटल्ड है, वहां बिल्कुल क्लियर है कि जमानत होनी चाहिए, जहां पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, लाइक एनडीपीएस है, लाइक और दूसरे जो सीरियस क्राइम्स हैं, उनकी बात अलग है। अदरवाइज बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। ये ऑलरेडी इट हैज बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन नंबर ऑफ केसेस। जी, क्वेश्चन ये है कि हमारे जो पर्टिकुलर जज हैं, या जो पर्टिकुलर जजेस जजमेंट्स लोअर जजेस से हाई कोर्ट्स में जाते हैं, और नॉर्मली हाई कोर्ट्स में तो बेल नॉर्मली हो ही जाती है जी। पर क्वेश्चन है कि लोअर कोर्ट्स में जी, लोअर कोर्ट्स की सिचुएशन थोड़ा सा मैं कहूंगा थोड़ा कंडीशन ठीक नहीं है, और उसमें नॉट ओनली वेकेंसी, मैं समझता हूं कि जो रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है, जो डेविएशन आ गया है, वो भी इसका एक कारण है कि बहुत अच्छे लोग दे आर नॉट बिल्कुल सुरेश जी, मैं इसका आर्थिक पक्ष भी समझ रहा हूँ, लेकिन SP वैद साहब, जो जमानत की बात जब आती है, मैं अदालत का बहुत सम्मान करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ मैं, और किसी अपराधी के बचाव के लिए कार्यक्रम नहीं कर रहा हूं, लेकिन जमानत को लेकर जो सवाल उठते हैं वो आप भली भांति जानते हैं, उस सच को जानते हैं जो निचली अदालतों में खेला जाता है। मैं चाहकर भी बहुत कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, मैं बिल्कुल मनोज जी, मैं दो तीन बातें जरूर कहूंगा।
एक प्रधानमंत्री जी ने जो इशू मुद्दा उठाया वो लोगों के दिल का इशू उठाया जी, कि इतनी ज्यादा मिकदार में 70+% अंडर ट्रायल है और ये जो आम आदमी फील करता है वो उन्होंने, दूसरा उन्होंने चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की कि इसको एग्जामिन करें कि लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल हो सके ताकि वो जो अंडर ट्रायल है वो अनपढ़ है वो बेचारा समझ सके। आप वहां इंग्लिश में या दूसरी लैंग्वेजेस में बात करते हैं उसको बेचारे को समझ नहीं आता है, तो ये बहुत अहम है ये चीज होना बहुत जरूरी ताकि जो वहां है वो उसको समझ आ सके कि उसके बारे में क्या हो रहा है, उसको अपना पता चल सके। एक एक मुद्दा ये। दूसरा, ज्यादातर लोग जो मैंने मेरा तजर्बा है वो हैं जो पेटी ऑफेंसेस में हैं। आप हैरान होंगे छोटे छोटे केसेस में, या मर्डर या रेप में कोई अगर इतनी देर रहे मैं समझ सकता हूं कि वो, और वो भी अगर ये अप्रीहेंशन हो कि वो बाहर जाके कुछ नुकसान कर सकता है तब उसको बेल नहीं देना चाहिए, अदरवाइज बेल देने में जैसे सुरेश जी कह रहे थे बिल्कुल सही है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है बेल शुड बी दी नॉर्म नॉट प्रिजन शुड बी एक्सेप्शन। तो आपके प्रिजन में इतनी ओवर क्राउडिंग है कि हालत खराब है, आप देखिए प्रिजन में रहा हूं मैंने देखा कितनी बुरी हालत है प्रिजन की। और दूसरा, जैसे हमारी स्टेट में ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर से एक कमेटी बनी है जिसमें तीन तीन मेंबर की कमेटी हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज और डीएम और एसएसपी को ऑर्डर किया है जे एंड के हाईकोर्ट ने, यू विजिट दिस ईच प्रिजन और उनको रिपोर्ट भेजनी होती है और देखिए उसकी कंडीशन, उसकी हालत क्या है। उसके बावजूद भी हालात सुधर नहीं रहे, ये कमेटी, मैं ये कहता हूं कि ऐसी ही कमेटी बनाई जा सकती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत एक कमेटी है जो होम सेक्रेटरी हेड करते थे और मैं एस डी जी प्रिजन उसमें मेंबर था या एक दो और मेंबर होते थे, जो जो कन्विक्ट थे उनका बिहेवियर अच्छा हो तो हम उनको पेरोल पे छोड़ते थे, पेरोल पे हर 26 जनवरी 15 अगस्त में छोड़ते थे। तो ऐसा हम हमारी ऑनरेबल कोर्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बना सकती है जो हर प्रिजन में जाकर देखे। जी बिल्कुल बिल्कुल, एसपी वैस जी यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही है कि कानून के तहत मानवीय संवेदनाओं के साथ ऐसे विचाराधीन कैदी जो हैं उन पर विचार किया जाए ताकि उन्हें न्याय जल्दी मिल सके, क्योंकि देर अगर न्याय मिलने में होती है तो उसके दुष्परिणाम दूसरे होते हैं। खैर, आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।